आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 5 है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज है 5.2। फाइंड एक्स इफ वाई दिया हुआ है और आपको एक इक्वेशन भी दी हुई है, तो इसको हम एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आपको करना यह है कि इस वाई को, ये जो दिया हुआ है, इसको आप यहां पर रख दीजिए बस। तो 2x प्लस वाई, मतलब ये रख देंगे, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया आपका 10 माइनस 32। अब इसको इधर ले जाइए, तो 2x क्या हो जाएगा, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 10 नेगेटिव 32, और यहां माइनस कर दीजिए, इसको ले जा सकते हैं आप ऐसे 3214। सब्ट्रैक्ट करेंगे एक एक करके, 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। अब ये क्या है, 2x है, तो x क्या हो जाएगा 1/2, तो सबको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस 1, ये आपका माइनस 2 और ये आपका माइनस 1, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। फाइंड x एंड y इफ 2x माइनस वाई दिया है और x प्लस 2y दिया हुआ है, तो इसको भी लीनियर इक्वेशन की तरह कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि x और y आपका किस ऑर्डर का होना चाहिए, ये जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 रो 3 कॉलम है, तभी हम ये सब कर पाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि या तो जैसे अगर हम लीनियर इक्वेशन करते थे उसमें क्या करते थे कि इसको भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी से और इसके साथ ऐड कर दीजिए ताकि कुछ चीजें कैंसिलेशन हो जाए। अब आप देखिए, मैं इस पूरे को, टोटल को, ये जो पूरा है यहां से यहां तक, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है जी, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, ये होगा 4x, ये बनेगा माइनस 2y। अब पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4, ठीक है, और ये अब इसके नीचे ये लिख दीजिए x प्लस 2y। आपको समझ में आया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि अब जो हम ये करेंगे, यहां पर इसको भी लिख देता हूं, माइनस 3 2 5 और माइनस 2 1 माइनस 7। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड कैसे करेंगे, जब ऐड करेंगे 4x और x हो जाएगा 5x, 2y और ये जो 2y है ये कैंसिल हो जाएंगे, अब इनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या ऐड कैसे करेंगे, जैसे हम किसी दो मैट्रिक्स को करते हैं, ये 12 और ये 3 को करिए, 12 और 3 कितना होगा माइनस 12 और 3, इनको ऐड करेंगे तो 12 माइनस 3 बनेगा 9, माइनस 12 और 2 को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका बनेगा माइनस 10, 0 और 5 को ऐड करिए 5, माइनस 8 और 2 को ऐड करिए कितना बनेगा माइनस 10, 4 और 1 को ऐड करिए 5, 2 और माइनस 5 को ऐड करिए तो माइनस 7, माइनस 5, ठीक है। तो अब मुझे इसमें एक थोड़ा सा एक लग रहा है कि क्या हमने सही लिखा है, 3 माइनस 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7, क्योंकि यहां पर 9 आ रहा है, यहां पर हमारा क्या है 6 2 12, ये माइनस 3 नहीं है, 3 है। यही से मुझे क्लियर हो गया कि भाई यहां कुछ घपला है, क्यों, क्योंकि 12 और 3 को अगर हम वो करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको ऐसा आना चाहिए जो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यहां 5 है, अदरवाइज ये सब y में आ जाएगा और इसका उत्तर y में नहीं आ रहा है। यहां पर 12 और 3, अब ये 15 हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, ये 5 को यहां से हटाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी कि सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपका 5 3 15 माइनस 2, ये 5 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस 1, ये आपका x आ गया। अब आपको y निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, कर लेंगे ये x जो है निकाल लिया हमने, ये इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, और ये फाइनल उत्तर इस तरीके से आएगा, यहां रख दीजिएगा। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको चलिए आप कर लीजिएगा इसको, है ना, वरना टाइम लग जाएगा, अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये x माइनस वाई दिया है, ये x प्लस वाई दिया है, इसमें x प्लस x और y निकालना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेंगे।
अभी मैं इसको फटाफट कर देता हूं क्योंकि इसमें समय थोड़ा सा कम लगेगा। तो x प्लस वाई यहां हो गया और मैं लिख नहीं रहा हूं इस मैट्रिक्स को, x माइनस वाई इस मैट्रिक्स को भी नहीं लिख रहा हूं, यहीं से डायरेक्ट ऐड करके लिख देंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये y बाय कैंसिल, ये x x 2x हो जाएगा और ये पूरी मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं 1 बाय, यानी कि 1 को ऐड करिए 3 से 4, 1 को 5 से ऐड करिए 6, 1 को 1 से ऐड करिए 2, 1 को माइनस 1 से ऐड करिए 0, 1 को 1 से ऐड करिए 2, 0 को 4 से करिए 4, 1 को 11 से करिए 12, 0 8, तो ये 8, 0 प्लस 0 0। अब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे है ना, यानी 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x कितना आ गया आपका, ये 2 सबको हाफ कर दीजिए बस, बाय 2 कर दीजिए, ये 3, ये 1, 0, 1, 2, 6, 4, 0, ये हो गया। अब इस किसी में भी रख दीजिए, x प्लस वाई x माइनस वाई में रख दीजिए, तो अगर मैं इसमें ये देखिए x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू सम मैट्रिक्स, अगर हमें y निकालना है तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से x को घटा देंगे, इस मैट्रिक्स से x को मतलब x इससे घटा देंगे, तो x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं सीधा यहीं पे मैं कर देता हूँ, y जो हमारा y निकलना है वो इस वाले को लिया है मैंने, तो ये मैट्रिक्स लेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 3, 5, 1, -1, 1, 4, 11, 8, 0, ये आपका क्या हो गया, ये वाला मैट्रिक्स, मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें मैं माइनस एक्स कर रहा हूँ, यानी कि जो अभी अभी हमने निकाला, तो ये माइनस कर देंगे, अब एक एक टर्म को माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो 3 - 2 हो गया 1, 5 - 3 हो गया 2, 1 - 1 हो गया 0, -1 और 0 -1, 1 - 1 0, 4 - 2 हो गया आपका 2, 11 - 6 5, 8 - 4 4 और 0 - 0 0, तो ये इसका उत्तर आ गया, x x ये हो गया, y हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये a दिया है, a निकालना है यदि this प्लस a इक्वल्स this, तो इसमें तो बिल्कुल डायरेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, अगर आपको ये मैट्रिक्स दिया है मान लीजिए मैट्रिक्स 1 प्लस a इक्वल्स मैट्रिक्स 2, अगर a निकालना है तो आपको मैट्रिक्स 2 माइनस मैट्रिक्स 1 करना है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, आपको सीधा ये जो मैट्रिक्स 2 है इससे इसको घटाना है, तो मैं यहां से ये 9 - 1 करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपना ये वाला जो है ये एम वन मैट्रिक्स है, एम टू माइनस एम वन करना है, तो 9 - 1 कर रहा हूं मैं, 9 - 1 8, -1 - 2 - 3, 4 - 1, 4 - 1 - 1 5, -2 - 0 - 2, 1 - 4 - 3, 3 - 9 - 6, क्लियर। यदि a दिया है आपको ये और b दिया है ये, फाइंड अ मैट्रिक्स c सच दैट 5a प्लस 3b प्लस 2c इज अ नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, अब कौन सी मैट्रिक्स है ये, 2 by 2 है, तो रिजल्ट भी आपका 2 by 2 आएगा, यानी आपको 0 0 0 0 आना चाहिए, ये मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर रख देते हैं, पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसको करना कैसे, ताकि हम फटाफट इसको कर लें, 5a मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5a इज अ नल मैट्रिक्स, तो 5a इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए फटाफट, 5 - 9 = 45, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5a करना है ना, 5 - 9 = 45, 5 - 1 = 5, 7 - 5 = 35 और 5 - 8 = 40, ये हो गया, प्लस 3b, अब 3b इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां लिख दीजिए 3b कितना हुआ 3, 7 - 3 = 21, 5 - 3 = 15 और 3 - 12 = 36, प्लस 2c बराबर क्या है, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये आना चाहिए, तो इन दोनों को क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं और फिर 0 0 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूं, यहां पर इनको ऐड कर लेंगे, 45 + 3 कितना हुआ, 45 + 3 आपका 40, इसको इससे माइनस कर रहा है ना, 48, 5 - 15 - 10,
ऐड करना है, 5 + 15 हो गया, ऐड करना 5 + 15 20, 35 + 21 कितना हुआ 56, 36 + 40 कितना हुआ आपका 76। मान लीजिए ये आपका M1 मैट्रिक्स था या M2 मैट्रिक्स था, M1 M2 को जोड़ के मान लीजिए M आया, तो इसको हम यहां ले जाएंगे, माइनस करेंगे यहां पर माइनस M, इसका मतलब 0 0 से इसको हटाना है, तो मैं यहां 0 0 लिख देता हूं माइनस दिस, और ये किसके बराबर होगा 2C के बराबर, ये 2C के बराबर होगा, तो ये 0 माइनस, आपको केवल एक काम करना है इसमें कि साइन चेंज कर देना है, इसका मतलब और कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0 से माइनस का कोई मतलब तो है नहीं, तो ये माइनस का मतलब ये कि इसके साइन चेंज करके लिख देना है, साइन चेंज कर दीजिए, -48 ये आपका -20 ये -56 और ये -76, ये क्या है 2C है, तो C कैसे होगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका आधा कर दीजिए, सब आधा हो गया, ये हो जाएगा आपका -24, -20 का हाफ -10, -56 का हाफ -28 और -76 का हाफ -30, ये आ गया। अगला है, इसमें a दिया है b दिया है, फाइंड x सच दैट 2a + 3x = 5b। अब इसको देखिए, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3x, तो 2a यहां जाएगा, 3x कितना हो जाएगा आपका 5b माइनस 2a, तो आपको करना क्या, समझ में आ गया होगा आपको, हम पहले 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर सब्ट्रैक्शन करना है, तो 5b माइनस 3 कर लेते हैं, मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, 5 8 = 40, 5 0 = 0, 5 4 = 20, 5 - 10, 5 15, 5 6 = 30, माइनस 2 से, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, 2 2 = 4, -4, 4 2 = 8, 2 2 = 4, -10 और 2, ठीक है जी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 - 4 कितना होता है, देखिए इसी तरीके से किया गया है, यहां पर ला के आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 40 - 4 कितना हुआ जी 36, 0 - 4 कितना हुआ जी 4, 20 - 8 कितना हुआ 12, -10 - 4 कितना हुआ -14, 15 - 10 कितना हुआ 25, 30 - 2 कितना हुआ 28। अब ये है 3x के बराबर, अगर आपको x चाहिए तो 1/3 करना पड़ेगा, तो सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 36/3 होता है 12, 4/3 4/3 लिखेंगे, 12/3 होता है 4, ये -14/3 आएगा, 25/3 भी कुछ नहीं होता है, 25/3 लिखेंगे, 28/3 कुछ नहीं होता, 28/3, क्लियर। If A equals this, B equals this, find the matrix C such that A plus B plus C is zero matrix. तो अगर आप कहेंगे A plus B plus C zero matrix है, तो आपको C निकालना है, तो C कितना हो जाएगा माइनस A माइनस B। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A plus B को जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है माइनस A plus B। हम A zero का मतलब यही है कि null matrix आएगा ना, तो ये नल मैट्रिक्स अभी आपको समझा दिया मैंने, ये बेसिकली ऐसा आएगा 0 0 0 0 0 0, तो हमने 0 बराबर कर दिया इसको, C बराबर है आपका माइनस ए माइनस बी, माइनस बाहर ले लिया, तो आप A प्लस बी करिए और सीधा नेगेटिव साइन लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है इसमें, मैं फटाफट इसको जोड़ रहा हूँ 1 और 2 मैं जोड़ रहा हूँ डायरेक्ट, और फाइनल आंसर लिख दूंगा, 1 और 2 होता है 3, -3 और -1 होता है -4, 2 और -1 होता है 1, 2 और 1 होता है 3, 0 0 होता है 0, 2 - 1 होता है 1, ये हो गया। अब ये नेगेटिव लगाना है तो नेगेटिव लगा दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर है। अब इसमें ये 15वां क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग दी मैट्रिक्स इक्वेशंस, तो एक काम करते हैं, इसको हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।